महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की आप लोग की जो रिक्रूटमेंट सितंबर 2022 तक आप लोग के यहां पे ऑनलाइन अप्लाई चले। ऑनलाइन अप्लाई के बाद यहां पे रिटर्न एग्जाम की तैयारी में स्टूडेंट लग गए, क्योंकि सबसे पहले यहां पे रिटर्न एग्जाम होना था, लेकिन विभाग ने आपके सिलेक्शन प्रोसेस को यहाँ पे चेंज कर दिया। अब आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल सबसे पहले होगा, फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का सबसे पहले होने वाला। बिल्कुल इस चीज को माइंड में रख लीजिए, पुराने हिसाब से मत चलिए। बिल्कुल आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी चैनल से जुड़े रहिए, पल पल की इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। तो अभी जो आप लोग के एडमिट कार्ड आए हैं वो आप लोग के फिजिकल का मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और साथ में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, सिर्फ इन चीजों के लिए ही यहाँ पे एडमिट कार्ड आया है। इसके बाद आप लोग को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, रिटर्न एग्जाम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को टाइपिंग स्किल टेस्ट या और मेडिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। तो ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है। अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। माइंड में नोट कर लीजिए, जहां बुलाया गया वहीं आप लोग पहुंचेंगे, सेंटर पर समय से आप लोग को पहुंचना है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। रिटर्न एग्जाम, जी हाँ, रिटर्न एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसी के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। तो चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, क्लर्कल, अपटूडेट, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट है, ये 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिटर्न एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने में। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए, लेकिन अभी मैं एक बार और आप लोगों को क्लियर कर दूं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ये जो एडमिट कार्ड आए हैं ये आपके रिटर्न एग्जाम के लिए नहीं है, रिटर्न एग्जाम आपके बाद में होंगे। अभी जो आप लोग का एडमिट कार्ड आया है वो PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका एडमिट कार्ड आया है। आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। जी हाँ, एडमिट कार्ड को रीड कीजिए, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ये भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो अब स्टूडेंट परेशान है कि सर क्या क्या होने वाला है हमारा फिजिकल सेंटर पे। जी हाँ, वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग फिजिकल के लिए जा रहे हैं, आप लोग को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी सी भी मिस्टेक आप लोग के कैरियर मीन्स आप लोग की इस रिक्रूटमेंट से आप लोग के हाथ धो सकती है। तो आप लोग को बहुत ही ध्यान से सुनना है। देखिए, आप लोगों को पहुंचना है, सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग रख लीजिए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोग को बताया सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रख लीजिए, ओरिजिनल आप लोग ले लेंगे, इसके साथ साथ आप लोग दो फोटो कॉपी करवा लेंगे, ठीक है। यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स के दो दो फोटो कॉपी आप लोग करवा लेंगे, और एक फोटो कॉपी पे आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके अपने जो भी आपका बैग है, एनवेलप वगैरह जो भी चीज है, ठीक है, आप लोग उसमें रख लेंगे। वो ले करके आप लोग को जाना है, जहां बुलाए गए हैं वहां पहुंचना है आप लोग को, और समय से पहले ही आप लोग पहुंचेंगे। आप लोग देख लीजिए, रिजर्वेशन करवाना है, साधारण डाक से जाना है, या फिर नियरेस्ट है आप लोग गाड़ी से जा सकते हैं, मीन्स बस से, ऑटो से, जैसे मतलब आप लोग जा सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग देखिए, लेकिन समय से पहले आप लोगों को पहुंच जाना है। जी हाँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही आप लोग का फिजिकल का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइन लगेगी, आपके सेंटर पे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, बायोमेट्रिक होगी, यानी कि आपके थंब लिया जाएगा, ठीक है। बायोमेट्रिक होने के साथ साथ आप लोग की एंट्री अंदर होगी, एंट्री के बाद आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और फोटो कॉपी आप लोग की ली जाएगी, ठीक है। कुछ फॉर्म वगैरह आप लोगों से भरवाया जाएगा, फॉर्म वगैरह आप लोग को वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, और फोटो वगैरह आप लोग को लेके जानी है। डॉक्यूमेंट पे मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने। जी हाँ, दो फोटो कॉपी उन्होंने बोली है, दो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, बट मैं आप लोगों से कह रहा हूँ 5 या 6 फोटोग्राफ आप लोग जरूर रख लेंगे, ठीक है। तो कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भरवाए जाएंगे, उसके बाद आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, और फोटो कॉपी आप लोग की एक एक फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड है वो ले ली जाएगी, वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पाई जाएगी। तो आप लोग का आगे का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट रहेगा। जी हाँ, आगे का प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग के यहाँ पे देखी जाएगी हाइट। जी हाँ, आपकी हाइट यहाँ पे देखी जाएगी, बिल्कुल नोट कर लीजिए, हाइट आप लोग की देखी जाएगी। रनिंग नहीं है, सिर्फ हाइट आप लोग की देखनी है। तो हाइट के लिए मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट है तो 155 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल जनरल ओबीसी एससी से आती हैं तो आप लोग की 155 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, ठीक है।
वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट है एसटी कैटेगरी से आती है तो 150 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए। इसी प्रकार से गढ़वाली कुमाई डोगरा मराठा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वगैरह से आप लोग आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हाइट का मेजरमेंट आप लोग का होगा। हाइट के बाद में आप लोग क्या कर दूं, हाइट में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि आपसे 165 मांगा गया तो 165 या 165 प्लस ही आप लोग होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग का जो होने वाला है वो है आप लोग का चेस्ट मेजरमेंट। जी हाँ, चेस्ट मेजरमेंट के बारे में भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, यदि आप लोग जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को तो मेल कैंडिडेट का ही चेस्ट मेजरमेंट होगा, फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। तो जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट हैं तो 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग को देखा जाएगा, यानी कि 77-82 आप लोग का नॉर्मल होना ही चाहिए, फिर चाहे एक्स्ट्रा आप लोगों का कितना भी हो ठीक है। तो 77 और आप लोग का यहाँ पे हो गया 82 ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 76 और 81 आप लोग का नॉर्मल यहाँ पे होना ही चाहिए। 76 नॉर्मल और फुलाव के बाद 81, फुलाव के बाद आप लोगों को 85 हो जाए 86 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यदि आप लोग गढ़वाली कुमाई डोगरा मराठा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वगैरह से आप लोग आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आप लोग की चेस्ट यहाँ पे 77 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे देखा जाएगा। बस नॉर्मल यही है, आप लोग का हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। इसके अलावा वेट मेजरमेंट होगा, वेट भी आप लोग का देखा जाएगा, वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जी हाँ, हाइट और एज के आप लोग के अकॉर्डिंग वेट होता है। वेट में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सर मेरा 10 किलो ज़्यादा, 5 किलो 6 किलो, 5 किलो 6 किलो, 7 किलो, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। इसके लिए मैं आप लोग को न्यू वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर 21 तारीख से मेरे फिजिकल है, 21 दिसंबर को ही मेरा फिजिकल है, सर मेरा वेट 8 किलो ज़्यादा है, 6 किलो ज़्यादा है, 5 किलो ज़्यादा, कोई टेंशन नहीं लेने का। नॉर्मल आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी करते रहिए और फिजिकल देने जाइए, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली। जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अभी आप लोग समझ गए, हाइट होगी आप लोग की, चेस्ट देखी जाएगी, वेट देखा जाएगा और इसके अलावा आप लोग के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट आप लोग के ओरिजिनल वहाँ पे वापस ले लेने हैं, ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आप लोग को वापस लेके भी आने हैं। ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आप लोग वहाँ छोड़ दें ठीक है। डॉक्यूमेंट हो गया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई रनिंग नहीं है। इसके अलावा बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में, सर टाइपिंग वगैरह भी होगी क्या? टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। टाइपिंग का प्रोसेस आप लोग का थर्ड स्टेप में आएगा, यानी कि रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का टाइपिंग का प्रोसेस होने वाला है। तो टाइपिंग की आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे बच्चे कंफ्यूजन है डॉक्यूमेंट को लेकर के, देखिए डॉक्यूमेंट पे मैंने वीडियो बनाया, जो वीडियो बनाया है वो बिल्कुल आपके लिए ही बनाया है, कोई मिस्टेक उसमें नहीं है ठीक है। डॉक्यूमेंट में सर एक्सपीरियंस लेटर, टाइपिंग सर्टिफिकेट वगैरह, देखिए ये सब चीज़ें नहीं चाहिए ठीक है। टाइपिंग सर्टिफिकेट वैसे भी मांगा नहीं गया, एक्सपीरियंस आप लोगों से कुछ मांगा नहीं गया ठीक है, आपने लगा रखा है वो बात अलग, लेकिन ऐसा कुछ मांगा नहीं गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ना ही टाइपिंग सर्टिफिकेट आप लोगों से मांगा गया। नॉर्मल आप लोग के हाई स्कूल इंटर के जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग को लेके जाना है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो वो सर्टिफिकेट ले लेंगे, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो वो सर्टिफिकेट ले लेंगे, फोटो ले लेंगे, आईडी प्रूफ ले लेंगे, और इसके अलावा आप लोग का जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है, एडमिट कार्ड है, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वीडियो देखिए, सारी कंफ्यूजन आप लोग की दूर हो जाएगी। तो जाने से पहले एक बार और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, माइंड में रखिए, और इसी चीज के लिए आप लोग को जाना है, समय से जाइए, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए ताकि मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूं। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच में लिखूंगी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।